हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बॉसम फ्रेंड स्टोरी बाय हीरा बंसोडे, इसे हम समझेंगे हिंदी में। हमारी स्टोरी जो है बॉसम फ्रेंड, उसकी राइटर हैं हीरा बंसोडे। हीरा बंसोडे एक बहुत ही पॉपुलर दलित पोएट हैं, जो कि अपनी दलित पोएट्रीज़ और स्टोरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। She had managed with encouragement and even her husband and her father-in-law to acquire higher education. इन्होंने higher education मतलब करी अपने husband और अपने father-in-law की मदद से। उन्होंने उनके husband ने और father-in-law ने उन्हें बहुत encourage किया, बहुत support किया higher education पाने में, और साथ ही साथ उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब भी की इंडियन रेलवे में। हर पोएट्री एज़ यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन दिस पोएम टेंड्स टू बी जेंटल एंड अंडरस्टैंड। इनकी जो पोएट्री होती थी वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल और अंडरस्टैंड, जो कि हम समझ पाएँ, बहुत ही ज़्यादा आसान होती थी और बहुत ही ज़्यादा ईजिली समझने वाली होती थी। Yet with the subtle irony, she is able to express the pain and anguish of Dalit existence. इन्होंने अपनी स्टोरी में वो दर्द और anguish जो कि दलित सोसाइटी महसूस करते हैं और सहते हैं, इनकी स्टोरी और पोएम्स में हमें वो दिखता है। दलित वुमेन पोएट्स हैव प्राइमरीली फोकस्ड ऑन वुमेन एक्सपीरियंस within as well as without Dalit woman experience seem to be qualitatively different, as has been often observed. Dalit women are like drum on both side and one can say that they are twice Dalit. इन्होंने अपनी पोएम में ये भी बताया है कि दलित वुमेन क्या क्या फेस करती हैं। दलित वुमेन पोएट, एक तो वो दलित होते हैं, इस वजह से तो उन्हें झेलना पड़ता है जो लोग उन्हें अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, वो तो उन्हें साथ साथ झेलना पड़ता है। ऊपर से वो वुमेन है, इसका दर्द अलग से, उन्हें अपमान करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि वो डबल दलित, उनको ट्वाइस दलित कहा जाता है, क्योंकि एक तो वो दलित सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और दूसरा कि वो वुमेन है। तो अब हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। Bosom Friend forms a part of collection of poem called Fiyard 1984. Bosom Friend जो है हमारी स्टोरी, वो एक पार्ट है पोएम का जिसका नाम है Fiyard, जो कि 1984 में लिखी गई है। Bosom Friend जो हमारी स्टोरी है वो दो फ्रेंड्स के ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती हैं। एक जो होती है वो होती है दलित सोसाइटी से, दलित सोसाइटी से बिलोंग करती है, और दूसरी फ्रेंड जो होती है वो एक ब्राह्मण फैमिली से, ऊंची जाति की सोसाइटी से बिलोंग करती है, बावजूद कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा उनकी सोसाइटी में फ़र्क होता है। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था, तो बावजूद इसके कि एक फ्रेंड दलित सोसाइटी से है और एक ब्राह्मण, तभी भी वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं। द टाइटल सजेस्ट दिस पोएम इज़ अबाउट अ वेरी गुड फ्रेंड हु एक्सेप्ट द पोएट्स इनविटेशन फॉर डिनर एंड विजिट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। जो हमारी स्टोरी का टाइटल है वो अच्छे दोस्त पे है, जो कि पोएट जो है जब अपनी दूसरी दोस्त को, ब्राह्मण दोस्त को, अपने घर इनविटेशन देती है डिनर का उसके घर के लिए, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है इनविटेशन और उसके घर फर्स्ट टाइम आने वाली होती है, क्योंकि जो इनविटेशन देती है वो दलित सोसाइटी से होती है और जो पोएट की दोस्त होती है वो ब्राह्मण सोसाइटी से होती है। तो एक्सेप्ट करना इनविटेशन दलित सोसाइटी का, ये बहुत ही बड़ी बात थी उस टाइम पर। द फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्रेस द पोएट सरप्राइज्ड एज वेल एज हर एडमिरेशन एंड ग्रेटिट्यूड फॉर दिस फ्रेंड हु सीम टू हैव ब्रोकन थ्रू द कास्ट एंड ट्रेडिशनल बैरियर टू रीच आउट द अनटचेबल फ्रेंड।
फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज में होती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है और पोएट के नज़रिए में उसकी फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है कि ये कितनी अच्छी है, जो कि कास्ट और ट्रेडिशनल का एक जो बेड़ियाँ होती हैं उसे वो तोड़ के, मतलब वो इन सब के बारे में नहीं सोच रही कि एक बैरियर होता था उस टाइम पे कि छुआछूत का, कि वो नीची कास्ट है और नीची कास्ट वालों का कुछ खाना नहीं होता, उनके घर नहीं जाना होता। तो ये सब बैरियर उसकी फ्रेंड ना सोचते हुए वो उसका एक्सेप्ट कर लेती है इनविटेशन। तो पोएट की नज़र में उसकी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा ऊंची हो जाती है, इज्जत उसके लिए बढ़ जाती है। इन द सेकंड पैराग्राफ हर एक्सपेक्टेशन आर शैटर्ड। दूसरे पैराग्राफ में पोएट के जो भी एक्सपेक्टेशन होती है उसकी फ्रेंड से, वो सब बिखर जाती है, टूट जाती है। द मोमेंट शी ऑफर टू हर फूड द फ्रेंड्स मेक एट द वे द फूड इज अरेंज एंड प्रॉपर्टली री अप्रोच द पोएट फॉर द इनएबिलिटी टू सर्व फूड द वे अपर कास्ट पीपल डू। क्योंकि जो पोएट थी वो दलित सोसाइटी से थी, तो जिस वक्त वो खाना परस रही होती है तो वो उस स्टाइल में या उस तरीके से नहीं परस पाती खाना जिस तरीके से अपर कास्ट के पीपल खाने को सर्व करते हैं। तो इस वे को देख के उसकी फ्रेंड थोड़ा अजीब व्यवहार करती है। शी सेड यू स्टिल डोंट नो हाउ टू सर्व फूड ट्रूली योर फॉर्क विल नेवर इम्प्रूव। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें आज तक खाना परसना नहीं आया, तुम लोग बिल्कुल भी सुधरोगे नहीं, बदलोगे नहीं, तुम दलित सोसाइटी से हो, तुम मतलब नीची जाति से हो, तुम वैसे के वैसे ही रह जाओगे। शी फील अशेम्ड ऑफ फर्दर अप्रोच फ्रॉम द फ्रेंड फॉर नॉट सर्विंग बटर मिल्क मेक अस सैड एंड स्पीचलेस। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा फील करती हैं अपने आप को, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को बटर मिल्क, जिसे छाछ बोलते हैं, वो सर्व नहीं कर पाती। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और स्पीचलेस फील करती हैं। द पोएट वेक अप टू द रियलिटी ऑफ हर एग्जिस्टेंस विच शी हैड फॉरगॉटन फॉर अ मोमेंट इन अ स्टेट ऑफ हाइटेंड एक्सपेक्टेशन ट्रिगर बाय द विजिट ऑफ दिस फ्रेंड। पोएट जो हैं अब रियलिटी में आती हैं, वो जागती हैं और रियलिटी में आती हैं और वो ये सब भूल जाती हैं, इस वजह से क्योंकि वो उन्होंने अपनी फ्रेंड के लिए एक हाई एक्सपेक्टेशन, वो ज़्यादा सोचने लग जाती हैं कि वो हाई एक्सपेक्टेशन कर लेती हैं अपनी फ्रेंड की विजिट से। उनके घर पे उनकी फ्रेंड आई, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाती हैं अपनी फ्रेंड से। थ्रू शी हैड एक्सेप्टेड द पोएट इनविटेशन एंड विजिट हर हाउस बट शी स्टिल कैरीज द बैगेज ऑफ हर ट्रेडिशन इन हर माइंड। जबकि वो पोएट की फ्रेंड इनविटेशन एक्सेप्ट करके पोएट के घर आ जाती है, तब भी वो अपने ट्रेडिशन का, अपनी जात पात का जो बोझ है, बोझ क्या बोल, मतलब जो भी उनके मन में है जात पात के लिए भेदभाव, वो साथ में लेके आती हैं। आती तो है, इनविटेशन एक्सेप्ट तो करती है, पर वो जो भेदभाव होता है उनके माइंड से जाता नहीं है। वो साथ में अपना ट्रेडिशन का बैगेज साथ में उनके माइंड में होता है। दिस ट्रेंड हैज़ क्रॉस द फिज़िकल बैरियर बट शी स्टिल कैरीज इट इन हर माइंड। वो सारी बेड़ियाँ तोड़ के आ तो जाती हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो आई उनके घर पे, दलित होने के बावजूद ब्राह्मण थी वो और दलित के घर आई, ये भी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। वो फिज़िकल बैरियर तो तोड़ के आ गई, पर जो उनके माइंड में सेट था भेदभाव, वो उनके माइंड से नहीं जा पाया। तो यही थी हमारी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना,
शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे से कमेंट में पूछना और मेरे को बताना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ।